तो so, दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मां में सो so, आज का हम सेशन जो करने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस तो लीनियर इक्वेशंस का टाइप्स कैसे पढ़ेंगे हम लोग वो देखेंगे आज तो सिर्फ हम सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के उसका सोल्यूशन निकालने के लिए तीन मेथड्स हैं जो थियोरेटिकल है दैट इज पहला सब्सटीट्यूशन है फिर एलिमिनेशन है फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो Method, yes. अब कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग जब भी लीनियर भी इक्वेशन की बात करते हैं हमने नाइन्थ में पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन सो लीनियर इक्वेशन किसके फॉर्म में होता है वो हम लोग पहले देख लेंगे इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या है लीनियर इक्वेशन है सो लीनियर इक्वेशन में

आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पेर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है पेयर मतलब दो लाइंस होंगे लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन है अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लाइन है सो so, दो लाइन इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो अगर ऐसा है तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मतलब दो लाइन्स है दो लाइन्स के कंडीशन कैसे कैसे हो सकते कैसे कैसे लाइन्स हो सकते हैं वो देखते हैं तो हम पहला जो देख रहे हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब लाइन ऐसे हो सकते हैं इंटरसेक्ट कर सकते हैं सो एल वन एंड एल टू सो अब देखिए अगर मैंने बोला वॉट इज सल्यूशन सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन्स क्या होगा कॉमन पॉइंट तो यहां पर एक कॉमन पॉइंट है सो so, मतलब देयर विल बी यूनिक सोल्यूशन सो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये कैसा लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कंडीशन क्या होगा जब भी ए वन अपॉन ए टू विल नॉट बी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू का रेशू सो ए वन अपॉन ए टू का रेशू बी वन अपॉन बी टू का रेशू से इक्वल नहीं होगा सो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट मीन्स सिंगल सोल्यूशन मीन्स वन सोल्यूशन क्या है वन सोल्यूशन है अगर एक सोल्यूशन है इसका मतलब सोल्यूशन है देखिए जब भी भी बाद में वो डिस्कस करते हैं पहले अलग अलग टाइप्स के लाइंस पढ़ते हैं अब देखिए लाइंस कैसे हो सकते हैं ये टाइप के लाइंस हो सकते हैं मतलब जो पैरल हो इंटरसेक्ट करे ही ना सो दीज टाइप ऑफ लाइंस आर पैरल लाइंस, क्या होगा पैरल लाइंस होगा L1 एंड L2 क्या हो सकता है पैरेलल हो सकता है पहला इंटरसेक्टिंग हो सकता है दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि पैरेलल हो तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन इज a1 a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2 सब सिंपल है बेटा देखो जब भी भी a1 a2 का रेशियो b1 b2 से इक्वल मिलेगा बट ये रेशियो c1 c2 से इक्वल नहीं मिलेगा देन लाइंस विल बी पैरेलल पैरल so, लाइंस है मतलब सोल्यूशन होगा क्या कॉमन पॉइंट होगा क्या देर विल बी नो कॉमन पॉइंट इसका मतलब देर विल बी नो सोल्यूशन सो जीरो सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन सो नो सोल्यूशन अब देखिए लाइंस कैसे हो सकते हैं एक के ऊपर एक लाइंस हो सकते हैं L1 वन एंड एल टू दीज आर नोन एज को इंसिडेंट लाइन्स क्या बोलते हैं इसको को इंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं एक के ऊपर लाइंस एक के ऊपर एक लाइंस मतलब को इंसिडेंट लाइन्स सो इसके लिए कंडीशन क्या होगा ए वन अपॉन ए टू शुड बी इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू शुड बी इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू तो जब भी ए वन अपॉन ए टू का रेशो बी वन अपॉन बी टू के रेशो से इक्वल होगा और वो भी सी वन अपॉन सी टू के रेशियो से इक्वल होगा तो लाइंस विल बी को इंसिडेंट लाइन्स को इंसिडेंट है मतलब बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं एक के ऊपर एक लाइन है मतलब कॉमन पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कितने सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अब देखिए एक चीज समझने वाली है कि जब भी भी, जब भी, भी अब हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं या कुछ देखते हैं तो विराट कोहली इस कंसिस्टेंट रोहित शर्मा इस कंसिस्टेंट ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि उन लोग आउटपुट देते हैं आपको तो जो भी चीज आउटपुट देगा दे आर कंसिस्टेंट आप रोहित शर्मा है विराट कोहली है रन बनाता है बार बार रन बनाता है सो दीस आर कंसिस्टेंट प्लेयर्स वैसे ही हमारे पास लाइंस है लाइंस कंसिस्टेंट कब होंगे लाइंस का कंसिस्टेंट तब होंगे जब वो आउटपुट देंगे आउटपुट का मतलब सोल्यूशन देंगे सोल्यूशन देंगे इसका मतलब लाइन्स आर कंसिस्टेंट सो आपको सोल्यूशन कहां कहां पर मिल रहा है सोल्यूशन जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तब मिल रहा है सोल्यूशन जब लाइन को इंसिडेंट है तब मिल रहा है इसका मतलब दीज आर कंसिस्टेंट लाइंस इसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइंस कंसिस्टेंट लाइंस जब भी भी सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट लाइन जब सोल्यूशन नहीं होगा सो इनकंसिस्टेंट लाइंस क्या बोलेंगे इसको इनकंसिस्टेंट लाइंस बहुत सिंपल है बहुत आसान है कंडीशन पढ़िए और अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड स्टार्ट करने वाले हैं अब देखिए हम लोग जो है ये पूरा जितने भी चैप्टर्स है इसमें क्वेशन को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब लाइन्स को इंसिडेंट है इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा और एक सोल्यूशन मिलेगा वही निकालेंगे जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगे तो ही हम सोल्यूशंस निकालेंगे अदरवाइज सोल्यूशन नहीं निकालेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड तो मेथड इट से मतलब क्या है सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो पहले लाइंस को देखेंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे तो ही सोल्यूशन निकालेंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे तो सोल्यूशन हम नहीं निकालेंगे अब देख लेते हैं इधर ए वन अपॉन ए टू देखिए इधर अगर ये ए दिस इज ए वन एक्स प्लस ये सी इधर आएगा तो प्लस सी वन इक्वल टू जीरो इसका मतलब एक्स प्लस वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो दिस इज एक्स माइनस वाई ये इधर आया तो माइनस फोर इक्वल टू जीरो इसका मतलब दिस इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो टू वन बी वन इज इक्वल टू अगेन अगर यहां पर देखा सो ए टू विल बीवल टू वन बी टू विल बीवल टू माइनस वन सी टू विल बीवल टू कॉन्स्टेंट दैट इज माइनस फोर अब अगर ए वन अपॉन ए टू का वैल्यू निकालते हैं सो ए वन अपॉन ए टू इज वन बाई वन और अगर b1 वन अपॉन बी का वैल्यू निकालते हैं मतलब वन अपॉन माइनस वन इट मीन माइनस वन सो फ्रॉम वन एंड टू थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं देखिए तीसरा चेक नहीं करेंगे बिकॉज हमको पता इधर दिख रहा है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू सो फ्रॉम वन एंड टू लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू देर फोर लाइन्स आर लाइन्स आर

देखिए अब इसको चेंज कर देते हैं इजीली चेंज करके और वो हम फर्स्ट वाले में डाल देंगे x माइनस वाई इक्वल टू फोर अब सब्सटीट्यूट करने के लिए वैल्यू निकालनी है एक तो इसमें x की वैल्यू निकाल निकालने या फिर y की वैल्यू निकाल निकालने हम x की वैल्यू निकालते हैं x इक्वल टू फोर माइनस वाई इक्वल टू क्रॉस करेगा तो प्लस वाई अब देखिए माइनस वाई क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई

दिया फोर प्लस वाई आगे क्या है वाई है इक्वल्स टू फोर्टीन क्या किया सब्सिट्यूट किया फ्रॉम सेकंड टू वन अब देखिए इसका मतलब फोर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के, के, तो के साइड वेरिएबल सब एक साइड नाउ दिस इज टू वाईक्वल टू फोर्टीन माइनस फोर इज टेन सो वाई विल बी इक्वल टू टेन अब सो वाई विल बीवल टूट 10 upon 2 is 5. So, y का वैल्यू हमको मिल गया जैसे हमको y का वैल्यू मिला ना दिस वैल्यू ऑफ x. अब देखिए फर्स्ट वाले में डालिए या सेकेंड वाले डालिए किधर भी डालेंगे आंसर आपको x का सेम मिलने वाला है अब देखिए क्या करेंगे y equal to 5 in equation 2, second वाले में डायरेक्टली डाल देते हैं सो so, ये हो जाएगा x इक्वल टू फोर प्लस वाई नाउ दिस इज फोर प्लस वाई इज फाइव फोर प्लस फाइव इज नाइन इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई मिल गया एक्स वाई मिलने के बाद में सोल्यूशन लिखेंगे सोल्यूशन विल बी गिवेन बाई अब देखिए ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट फॉर्म में अब कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब लिखेंगे तो पहला एक्स बाद में वाई सो एक्स इज वॉट फाइव एंड वाई इज वॉट फाइव एक्स इज नाइन एंड वाई इज फाइव सो so, लिख लेते हैं एंड बहुत सिंपल था ना दोस्तों बहुत सिंपल है अब इसमें सोल्यूशन बोला मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द कॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओके सो कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कोऑर्डिनेट देगा आपको सो एक्स कॉम वाई एक्स नाइन एंड वाई इज वॉट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट मिल गया आपको बहुत सिंपल था जैसे ये किया आगे का भी क्वेश्चन ऐसे करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है अब हमको मालूम है दिस आर इंटरसेक्टिंग तो मैं वो प्रूव करते नहीं बैठूंगा कि ए वन अपॉन एट इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू फिलहाल हमको दिख रहा है दिस 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 इज 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 माइनस वन बाई टू सो इक्वल नहीं मिलने वाला है तो डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के लिए देखते हैं फर्स्ट <clears> पॉइंट <throat> लिखेंगे इसको चेंज करना बहुत सिंपल है तो चेंज कर लेते हैं एस माइनस टी इक्वल टू थ्री सो एस विल बी इक्वल टू थ्री माइनस टी इक्वल टू क्रॉस करेगा डाल देते हैं दैट इज एस बाई थ्री प्लस टी बाई टू इक्वल टू सिक्स दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब हम क्या करेंगे ये जो एक्स एस का वैल्यू है वो सेकेंड वाले में सब्सटीट्यूट करेंगे सो सब्स्टिट्यूट एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी इन इक्वेशन टू वन इज इक्वेशन टू इधर एस के जगह पे हम वैल्यू डाल देते हैं थ्री प्लस टी अपॉन थ्री प्लस बाई टू इक्वल टू सिक्स बहुत सिंपल है 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 अब अब इसको सिर्फ करना करना एक वेरिएबल में आ चुका है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई होल अपॉन तो लिखे थ्री टूजा सिक्स इक्वल टू सिक्स अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं तो थ्री टू झा सिक्स एंड टू इंटू टी विल बी टू टी सो टू टी प्लस थ्री टी इक्वल टू सिक्स 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 ये टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई थर्टी अब हमको पता चल गया टोटल कितना है फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के पास जाएगा प्लस सिक्स है इक्वल टू क्रॉस कर तो माइनस सिक्स हो जाएगा इसका मतलब टी विल बी इक्वल टू दिस टोटल थर्टी अपॉन इनटू फाइव में सामने गया तो अपॉन फाइव सो टी विल बी इक्वल टू थर्टी बाई फाइव इज फाइव सिक्स टी का वैल्यू मिलने के बाद आंसर मिलेगा लेकिन इक्वेशन वाले वाला वन वाला इजी है तो इजी वाले में डाल के आंसर निकालते हैं वन कौन सा एस इक्वल टू थ्री प्लस T. सो इट्स थ्री प्लस इज सिक्स प्लस सिक्स इज नाइन सो एस विल बी इक्वल टू नाइन बहुत सिंपल है दोस्तों बहुत सिंपल है बहुत मजेदार है सोल्यूशन लिख लेते हैं सोल्यूशन अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले कौन आता है टी मतलब बाद में आता है तो लिखेंगे एस नाइन टी सिक्स सोल्यूशन मिल गया मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया मतलब सोल्यूशन मिल गया ये लाइंस का अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री है नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन अब देख के पता चल जाता है दिस इज थ्री अपॉन नाइन इज वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इज अगेन माइनस वन बाई थ्री सो पहले चेक करते हैं कि लाइन दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग सो पहले ए वन ए वन इज थ्री बी वन इज माइनस वन एंड सी वन इज प्लस थ्री इक्वल टू क्रॉस करेगा तो सी वन मिलेगा ये इस एक ही साइड में होना चाहिए तो इट विल बी माइनस थ्री ए टू इज इक्वल टू द सेकंड इक्वेशन सो दाइन बी टू इज कॉफिशन ऑफ वाई इन द इक्वेशन दैट इज माइनस थ्री एंड सी टू इज प्लस नाइन इक्वल टू क्रॉस कर रहा है तो इट विल बी माइनस नाइन फर्स्ट पॉइंट में चेक करते हैं ए वन अपॉन ए टू दैट इज थ्री बाई नाइन सो इट इज वन बाई थ्री सेकेंड पॉइंट में चेक करेंगे बी वन अपॉन बी टू सो इट इज माइनस वन अपॉन माइनस थ्री अगेन वन बाई थ्री थर्ड पॉइंट में चेक करेंगे सी वन अपॉन सी टू विल बी माइनस थ्री अपॉन माइनस इस अगेन वन थ्री सब इक्वल आया लिखेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री फ्रॉम वन टू एंड थ्री ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अगर ऐसा है तो लाइंस आर को इंसिडेंट लाइन्स आर को इंसिडेंट तो इनफाइनाइट सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो भी हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो एक सोल्यूशन नहीं देगा बहुत सारे सोल्यूशन देंगे हम सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगे मतलब यूनिक सोल्यूशन रहेंगे तो ही सॉल्व करके दिखाएंगे अदरवाइज सॉल्व करके नहीं दिखाने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेरो पॉइंट थ्री वाईक्ट थ्री अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट है सो so, जब भी वन भी डिजिट के पहले पॉइंट होगा तो टेन से मल्टीप्लाई करें पॉइंट जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई टेन सो टेन इंटू जीरो पॉइंट टू विल्स प्लस टेन इंटू जीरो इंटू टेन

सेकेंड इक्वेशन कैसा है जीरो पॉइंट फोर एक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाई थ्रू आउट टेन सो देखिए वन डिजिट के पहले पॉइंट है इसलिए हम लोग सबको टेन से मल्टीप्लाई कर देते पॉइंट हट जाएगा फोर एक्स प्लस टेन से मल्टीप्लाई किया तो फाइव आई इसको टेन से मल्टीप्लाई किया तो इट इज ट्वेंटी थ्री ना दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन एक्स के जगह पे हम लोग डाल देंगे सो so, लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू थर्टीन माइनस थ्री वाई अपॉन टू इन इक्वेशन टू एक्स के जगह पे डाल रहे हैं अब देखते हैं कितना वैल्यू मिलता है फोर इन टू एक्स के जगह पे थर्टीन माइनस थ्री बाई अपॉन टू प्लस फाइव आई इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अब ये होने के बाद में टू वन जा टू टू जा फोर ये होने के बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं टू इंटू थर्टी ट्वेंटी टू सिक्स वाई प्लस फाइव आई इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अब देखिए दिस टोटल जो वेरिएबल से ऐड कर देते हैं तो टोटल क्या बचेगा माइनस सिक्स प्लस फाइव आई इज माइनस वन वाई इक्वल टू ट्वेंटी थ्री सो इक्वल टू ट्वेंटी थ्री कॉन्स्टेंट दूसरे साइड जाएगा प्लस ट्वेंटी तो माइनस ट्वेंटी सिक्स ना ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी सिक्स इज माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन वाई माइनस माइनस कैंसिल सो वाई इक्वल टू थ्री वाई का वैल्यू मिलने के बाद में वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन सोल पहले वाले डाल देते हैं so we will substitute y equal to 3 in equation 1 what is equation 1 x equal to 13 minus 3y upon 2 so 13 minus 3 into y is 3 upon 2 this is equal to 13 minus 3 3 is a 9 upon 2 so 13 minus 9 is 4 4 by 2 is 2 so x ka value is 2 now

इक्वल नहीं है मीन लाइन आर गोइंग टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन डायरेक्टली लिखते हैं रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो सो रूट टू एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री वाई उधर जाएगा सो माइनस रूट थ्री वाई सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू इंटू वाई दिस इज इक्वेशन नंबर वन सिंपल है सिंपल पहले x को y के फॉर्म में लिखो कोई भी x को इधर x को y के फॉर्म में लिख दिया है हमने अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं रूट थ्री एक्स प्लस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन नंबर टू विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू सो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू इन टू वाई इन इक्वेशन टू so root 3 into x is minus root 3 upon root 2 into y plus root 8 y equal to 0 root 3 into root 3 3 minus 3y plus root 2 into root of 8 is root of 16 into y upon root 2 क्वल टू जीरो बस सोल्व करना है सिंप्लीफाई करना है यू आर गोइंग टू गेट दो इट इज माइनस रूट ऑफ सिक्स टू रूट टू इन टू जीरो प्लस फोर वाई फोर माइनस थ्री विल बी वन वाई वन वाईक्वल टू जीरो मिला अब वाई का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में ताकि एक्स का वैल्यू मिल जाए इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन अब देखते हैं एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू इंटू वाई वाईज इंटू एनिथिंग सोल्यूशन मिल चुका है सोल्यूशन मतलब जीरो मतलब X, X अब देखिए अब इसका एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं जब भी भी c1 c1 जब भी भी ऐसा कोई इक्वेशन है a1 ax ए एक्स प्लस इक्वल टू जीरो मतलब C इसमें जीरो है इफ C इक्वल टू जीरोन दिस लाइन पास थ्रू ओरिजिन अब देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन में इसमें ये क्या है सी जीरो सी टू इज ऑल्सो जीरो मतलब ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है और ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है इसका मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है ओरिजिन ओरिजिन मतलब जीरो कॉमा जीरो है ना सिंपल है एकदम तो आपको आइडिया मैंने बता दी ये ये चीज की क्यों हमको जीरो कॉमा जीरो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एक्स अपॉन टू माइनस फाइव आई अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस टू अब देखिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे ताकि थोड़ा इजी कर लेते हैं सो टू एक्स टू इंटू एक्स विल बी टू एक्स थ्री इंटू वाई विल बी थ्री वाई अपॉन थ्री टू सिक्स टू थर्टीन बाई सिक्स नाउ सिक्स सिक्स गेट कैंसलिनेटर चला गया सो टू एक्स

value x is 13 minus 3y upon 2 the whole upon 2 minus 5y upon 3 equal to minus 2 थर्टीन थ्री झार थर्टी नाइन लिखेंगे थर्टी नाइन थ्री इंटू थ्री इज नाइन सो नाइन वाई द होल अपॉन टू नीचे चला जाएगा तो टू टू या फोर माइनस फाइव वाई अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस टू जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं सो दिस इज थर्टी नाइन माइनस नाइन वाई इंटू ये टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री माइनस फाइव फोर जार ट्वेंटी वाई द होल अपॉन फोर थ्री ट्वेल्व इक्वल टू माइनस टू बहुत सिंपल है अब देखिए थर्टीन इंटू थर्टीन थ्री इंटू थर्टी थ्री ट्वेंटी सेवन देन थ्री थ्री प्लस टू इज लेवन सेवन माइनस थ्री इंटू नाइन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन इंटू वाई माइनस ट्वेंटी वाई इक्वल टू ट्वेल्व टू जार ट्वेंटी फोर सो माइनस ट्वेंटी फोर टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई अब ये होने के बाद में दिस टोटल इज माइनस फोर्टी सेवन एक सो माइनस फोर्टी सेवन वाई माइनस ट्वेंटी सेवन वाई माइनस ट्वेंटी वाई इज माइनस फोर्टी सेवन वाई इट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर और कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाएगा तो वन प्लस वन वन सेवन है उधर गया तो माइनस वन वन सेवन सो इट इज गोइंग टू बी वन दिस इज फोर एंड वन सो इट इज माइनस वन फोर्टी वन माइनस फोर्टी सेवन वाई सो माइनस माइनस कैंसल वाई सो वाई विल बी इक्वल टू थ्री वाई का वैल्यू मिलने के बाद में वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन सेकेंड इक्वेशन सो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स इक्वल टू थर्टीन माइनस थ्री इन टू वाई इज थ्री अपॉन टू सो थर्टीन माइनस थ्री थ्री नाइन अपॉन टू थर्टीन माइनस नाइन इज फोर फोर अपॉन टू इज टू सो दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स अब x और y की वैल्यू मिल चुकी है नाउ सोल्यूशन सोल्यूशन इज गिवन बाई एक्स कॉमा वाई एक्स इज टू एंड वाई इज थ्री सो मजा आया और लास्ट क्वेश्चन है इसमें का सब्सटीट्यूशन मेथड का ये वाला सॉल्व 2x एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू इलेवन एंड टू एक्स माइनस थ्री फोर वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एम तो पहले हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का बारे में निकालेंगे और ये इसमें डालेंगे सो टू एक्स फर्स्ट क्वेश्चन टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू लेवन

2x is equal to 11 minus 3y in equation two. अब देखिए 2x के जगह पे डाल रहे हैं 11 minus 3y डायरेक्टली पूरा डाल दिया हमने 2x के जगह पे है ना? अब minus 4y equal to minus 24. ये total is minus 7y. This minus 3y minus 4y is minus 7y equal to minus 24 plus 11 equal to cross कर रहे तो minus 11 हो so गया. This is minus 35. Minus 24 minus 11 is minus 35 equal to minus 7y. सो so y will be to minus 35 upon minus 7 0 minus minus cancel 7 1's are 7 5's are so y ka value mila 5 we will substitute this value of y in equation 1 so 2x substituting y equal to 5 in equation 1 of um, equation 1 2 into x x इक्वल टू इलेवन माइनस थ्री इंटू वाई इज वॉट फाइव अब टू एक्स इक्वल टू इलेवन माइनस सेवन फाइव थ्री सा फिफ्टीन सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस फोर अपॉन यू क्रॉस मल्टीप्लाई टू वन सा टू टू सा सो एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स का वैल्यू मिल गया वाई का वैल्यू मिल गया नाउ बी विल सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इक्वल टू फाइव इन वाईल टू एम एक्स प्लस इक्वल टू एम इन टू एक्स के जगह पे माइनस टू प्लस थ्री नाउ दिस इज फाइव प्लस थ्री इक्वल टू क्रॉस करेगा तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के पास जाना है तो प्लस थ्री इक्वल टू क्रॉस करा तो माइनस टू माइनस थ्री एंड दिस इज माइनस टू एम टू वन सा इट मीन माइनस वन एम इक्वल टू माइनस वन बहुत सिंपल था दोस्तों और ऐसे ही हम वैल्यूज निकाल सकते सो दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम मैं हूं यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल में सो so, आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड टेंथ का अब एक्सरसाइज हम लोग करने वाला है थ्री पॉइंट थ्री का स्टेटमेंट प्रॉब्लम बिकॉज इसके पहले के जो सब्सटीट्यूशन मेथड के क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं लाइव सेशन में so, सो इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बाकी था वो ये हम सेशन में लेके आए हैं लेकिन ये सेशन को पूरा जा, जानने के लिए बने रहे अंत तक ये वीडियो के साथ में और एक बात कि ये सेशन का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ये सोल्यूशन करने के लिए सब्सटीट्यूशन मेथड आनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आने के लिए आप लाइव वाला जो सेशन था उसका रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको सब्सटीट्यूशन मेथड समझ जाए सो so स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम बाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड यू हैव टू फाइंड आउट द सल्यूशन बाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड सो मेथड स्पेसिफाई किया है तो वही मेथड से करेंगे अब देखिए उसके लिए हम लोग पहला स्टेटमेंट प्रॉब्लम को पढ़ेंगे अच्छे से दो तीन बार पढ़े ताकि उसका जानकारी मिल सके अब इसमें हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में कंपेरिजन दी होगी और दो कंडीशन दिया रहेगा ताकि आपको दो इक्वेशन फ्रेम हो सके अब क्वेश्चन पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ट्वेंटी सिक्स एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर मतलब क्या है इसमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ट्वेंटी सिक्स मतलब दो नंबर है एक तो बड़ा नंबर होगा एक तो छोटा नंबर होगा तभी डिफरेंस होगा दोनों में सो लेटस लिख राइड बिग नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई बाई फर्स्ट गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है बहुत सिंपल है दोस्तों द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज 26 सही है ना सो so, आप ऐसे ही लिखेंगे बड़ा नंबर कौन सा x है छोटा नंबर कौन सा y है सो so, x माइनस वाई इज 26 दिस इज इक्वेशन नंबर वन बाय द सेकंड गिवन कंडीशन इक्वेशन वन मिलने के बाद में सेकंड कंडीशन पढ़े दिस इज सेकंड कंडीशन द वन नंबर इज थ्री टाइम्स आदर वन नंबर इज थ्री टाइम्स आदर मतलब बड़ा नंबर इज थ्री टाइम्स छोटा नंबर का होगा इसलिए बाईस सेकंड गिवन कंडीशन क्या बोला है वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर इसका मतलब बड़ा नंबर इज थ्री टाइम्स छोटा नंबर बड़ा नंबर क्या था एक्स था वाई है सो एक्स इक्वल टू थ्री वाई दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब ये वन और टू मिल गया नाव बोला है सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है वी विल नावल्टीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन द फर्स्ट इक्वेशन सो सब्सिट्यूटिंग

अब वाई का वैल्यू मिलने के बाद में एक्स की वैल्यू निकालनी है सो वी विल सब्सटीट्यूट वाई इक्वल टू थर्टीन सब्सिट्यूट वाई इक्वल टू थर्टीन इन इक्वेशन वन और इन इक्वेशन टू दोनों में से किसी में डालोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी बट इजी करने के लिए हम लोग को यहां दिया x इक्वल टू थ्री वाई अगर y का वैल्यू डाल दिया तो डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी मतलब इजी किसमें होगा सेकंड वाले में सो वी विल सब्सिट्यूट y इक्वल टू थर्टीन इन इक्वेशन टू एक्स इक्वल टू थ्री इंटू वाई सो थ्री इंटू थर्टीन थर्टीन थ्री थर्टी नाइन सो एक्स इक्वल टू थर्टी नाइन इसका मतलब यह है बड़ा नंबर भी मिल गया नंबर तो बड़ा नंबर मिल गया सो देर फोर बिगर नंबर इज इक्वल टू एक्स एक्स कितना मिला थर्टी नाइन एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई वाई कितना मिला थर्टीन सो दिस आर द टू नंबर और कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सोल्यूशन नहीं लिखते Solution मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो नहीं लिख रहे हैं इसमें क्या लिख रहे हैं जो फाइंड आउट करना है ओके okay, सो so बहुत सिंपल आप ध्यान में रखें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन नहीं लिखना अलग से कोऑर्डिनेट में के फॉर्म में इसमें बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर जो कुछ पूछा रहेगा वो लिख देंगे कंक्लूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग

सो so, दो कंडीशन है बेटा हमेशा दो कंडीशन दिया रहेगा एंड देम वो दोनों को आउट करना है सो लेट बिगर सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स बिगर सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई बिगर सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई अब देखते हैं बाई फर्स्ट गिवन कंडीशन बाई फर्स्ट गिवन कंडीशन कंडीशन में देखते हैं दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है दो एंगल का एडिशन 180 होता है तो सप्लीमेंट्री होता है सो एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 दिस इज इक्वेशन नंबर वन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन बाई सेकेंड गिवन कंडीशन कंडीशन क्या बोला है

दोनों इक्वेशन मिलने के बाद में वी विल यूज सब्सटीट्यूशन मेथड बोला गया है सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करे सो वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन द फर्स्ट इक्वेशन सो वी विल सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू वाई प्लस एटीन इन इक्वेशन वन बहुत सिंपल है दोस्तों बहुत सिंपल और बहुत मजेदार है अब एक्स के जगह पे क्या डाल देंगे मजेदार्लसटेंट दूसरे साइड चला जाएगा सो प्लस एटीन इक्वल टू क्रॉस कर रहे माइनस एटीन सो टू आई विल इक्वल टू वन एटी माइनस एटीन इज वन सिक्सटी टू

इक्वेशन टू मीन एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस एटीन वाई के जगह पे एटी वन प्लस एटीन एंड दिस इज गोइंग टू बी नाइनटी नाइन एटी वन प्लस एटीन एक्स का वैल्यू भी मिल गया अब एक्स वाई मिल गया मतलब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल गए मिलने के बाद में कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है देर फोर बिगर सप्लीमेंट्री एंगल कितना था एक्स था एक्स कितना मिला 99 एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल वाई था वाई कितना मिला 81 बहुत सिंपल है दोस्तों बहुत सिंपल है अब इससे सिंपल इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आने का ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाएं, पे जाएंगे वापस से दो कंडीशंस दिए हुए हैं यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व बाय सूशन मेथड लेट सी द कोच ऑफ अ क्रिकेट क्रिकेट टीम बाय सेवन बैट एंड सिक्स बॉल फॉर थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज बहुत सिंपल है दोस्तों सो so क्या करेंगे एक बैट का कॉस्ट पता नहीं है एक बॉल का कॉस्ट पता नहीं है तो उसको एक सौ वाई ले लेंगे सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैट बी रुपीज x एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल बी रुपीस y जैसे हमने पहले भी इसके पहले वाले सेशन में बताया था आपको अगर मैंने बोला एक चॉकलेट का कीमत दो रुपया है देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फाइव चॉकलेट टू इंटू फाइव नंबर ऑफ चॉकलेट इंटू रेट ऑफ वन चॉकलेट विल गिव यू और टोटल कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट है ना सो टू फाइव टेन रुपीज

सिमिलरली एक बॉल का कॉस्ट वाई है एंड वी हैव सिक्स बॉल्स सो वॉट इज द टोटल कॉस्ट इट विल बी सिक्स इंटू वाई कॉस्ट ऑफ वन बैट बॉल इन टू नंबर ऑफ बॉल्स दोनों का एडिशन दोनों का कॉस्ट मिला के कितना है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सो थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड दिस इज इक्वेशन नंबर वन बाई सेकेंड गीवन कंडीशन आप सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं लेटर शि बाइस बाद में तीन बैट खरीदा और पांच बॉल खरीदा एक बैट का कॉस्ट एक्स है तो तीन बैट का कॉस्ट थ्री एक्स वैसे ही एक बॉल का कॉस्ट वाई है तो पांच बॉल का कॉस्ट कितना होगा फाइव वाई एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स इज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी दिस इज इक्वेशन नंबर टू बट वी हैव टू रिड्यूस इन एक्स और वाई कोई ना कोई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा सो so, क्या करते हैं हम लोग एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं सो थ्री एक्स इज इक्वल टू वन सेवन फाइव जीरो प्लस फाइव आई इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस फाइव सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है तो सब्सिट्यूट करने के लिए एक तो एक्स का वैल्यू निकले नहीं, नहीं तो वाई का वैल्यू निकले सो एक्स थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स विल भी वन सेवन फाइव जीरो माइनस फाइव आई अपॉन थ्री नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन बहुत सिंपल है सो so, लिख देते हैं सब्स्टीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू वन सेवन फाइव जीरो माइनस फाइव आई अपॉन थ्री इन इक्वेशन वन वन वाले इक्वेशन में डाल देते हैं एक्स के जगह पे वैल्यू सेवन इन टू एक्स का वैल्यू कितना है वन सेवन फाइव जीरो माइनस फाइव आई अपॉन थ्री Plus 6Y equal to 3, 8, 0, 0. Simple है अब क्या करेंगे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और ये अंदर multiply कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में सेवन सेवन फोर्टी फोर्टी नाइन प्लस थ्री विल बी फिफ्टी टू सो फाइव कैरी अब कितना हो गया सेवन 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 प्लस फाइव टो वन टू टू फाइव जीरो And seven five 35, so it's minus 35 y, plus six 18, so 18 y. The whole upon three equal to three eight zero zero. बहुत सिंपल है सिर्फ कर रहे हैं दोस्तों अब देखिए, ये थ्री को टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई सो दिस इज वन टू टू फाइव जीरो माइनस थर्टी फाइव प्लस एटीन जो वाई है लाइक like उसको ऐड कर देंगे सो माइनस थर्टीन थर्टी फाइव वाई प्लस एटीन वाई विल बी माइनस सेवनटीन वाई इज इक्वल टू नाइन प्लस टू इज वन वन फोर जीरो जीरो सो माइनस सेवनटीन वाई इक्वल टू वन वन फोर जीरो जीरो माइनस वन टू टू फाइव जीरो बड़े नंबर शायद माइनस है तो माइनस आएगा दिस वन टू टू फाइव जीरो माइनस वन फोर फोर जीरो जीरो विल बी एट फाइव जीरो फ्रॉम बोथ द साइडीन सो वाई विल बीवल ना वी विल सब्सटीट्यूट वाईक्वल टू फिफ्टी इन इक्वेशन टू अब देखिए सेकेंड वाला कैसा है एक्स इक्वल टू वन सेवन फाइव जीरो माइनस फाइव इन टू वाई का जगह पे फिफ्टी अपॉन

वन बैट इज इक्वल टू रुपीज फाइव हंड्रेड एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टी बहुत सिंपल था जैसे ये हमने किया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है देख लेते हैं बहुत सिंपल है दोस्तों अब बोला गया है द टैक्सी चार्जेस इन अंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टू गार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर सो फिक्स चार्ज पता नहीं है और डिस्टेंस कवर का हर एक किलोमीटर का कितना चार्ज है वो पता नहीं है तो वो लिख लेते हैं सो देखिए वॉट विल बी द क्या पूछा वॉट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर सो लिखेंगे फिक्स चार्ज बी रुपेज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपेज वाई बहुत सिंपल है जो पूछा है उसको एक्स वाई पहले कंसिडर कर लें उसके बाद में बाई फर्स्ट ंडीशन कंडीशन कैसा है कि वही तो भी है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग टेन किलोमीटर जब टेन किलोमीटर गया तो उसने एक तो सौ पांच रुपए भराए तो कैसे भरा रहेगा अब टेन किलोमीटर ट्रेवल किया डिस्टेंस इज टेन किलोमीटर उसके अंदर कैसे आया होगा फिक्स चार्ज आया होगा उसका एक्स रुपीज दिस इज फिक्स चार्ज प्लस दस किलोमीटर चला उसका हर एक कितना हर किलोमीटर का वाई रुपीज है तो कितना किलोमीटर गया टेन किलोमीटर सो so टेन किलोमीटर का कितना रुपीज टेन इंटू वाई एक किलोमीटर का वाई रुपीज और कितना किलोमीटर गया दस किलोमीटर गया तो टेन इंटू वाई विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रावलिंग टूट टेन किलोमीटर तो दिस इज दिस इज अ चार्ज फॉर ट्रावलिंग टेन किलोमीटर प्लस फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी विल बी टोटल फेयर ऑफ द टैक्सी अब देरपुर कितना हो जाएगा इक्वेशन x प्लस टेन वाई इक्वल टू टोटल चार्ज दन जीरो फाइव दिस इज इक्वेशन फॉर ट्रेवलिंग टेन किलोमीटर किलोमीटर अब देखिए कंडीशन टू पे जाते हैं कंडीशन टू कैसा है फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर फॉर अ जर्नी ऑफ फिफ्टी फिफ्टीन किलोमीटर एक वन फिफ्टी पे किया कैसे पे किया रहेगा मतलब फिक्स चार्ज भरा रहेगा उसने प्लस चार्ज पर किलोमीटर भरा रहेगा एक किलोमीटर का वाई रुपीज तो फिफ्टीन किलोमीटर का फिफ्टीन वाई रुपीज एंड फिक्स चार्जेस एक्स टोटल मिला के फिफ्टीन किलोमीटर के लिए फेर सो कितना हो जाएगा बाई सेकेंड गिवन कंडीशन कंडीशन कैसा है फिक्स चार्ज एक्स प्लस फिफ्टीन किलोमीटर के लिए फिफ्टीन वाई बिकॉज चार्ज पर किलोमीटर इस वाई और उसने ट्रेवल कितना किया फिफ्टीन किलोमीटर तो फिफ्टीन वाई

स वन फिफ्टी फाइव इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस वन फिफ्टी फाइव टूनस फाइव टू माइनस फिफ्टी माइनस माइनस कैंसिलवल टू फिफ्टी अपॉन फाइव सो वाई इक्वल टू टेन बहुत सिंपल है दोस्तों वाई का वैल्यू मिलने के बाद में वी विल सब्सिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स अब देखिए किस में डालें हम लोग फर्स्ट वाले में डाल देते हैं या फिर सेकंड वाले में डाल देते हैं सेकंड इजी है तो सेकंड वाले में ही डालो सब्सटीट्यूट इक्वल टू टेन इन इक्वेशन टू सो दिसवल टू वन फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टीन इन टू वाई इज टेन सो इट इज वन फिफ्टी फाइव माइनस वन फिफ्टी इट विल बी फाइव एक्स की वैल्यू मिल गई एक्स इक्वल टू फाइव एक्स का वैल्यू मिलने के बाद में क्या करते हैं उसने ये नहीं पूछा है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है ना 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 उसने क्या पूछा है हाउ मच अच्छा वो भी पूछा ही है चार्ज चार्ज कितना है पर किलोमीटर कितना है वो भी हमने निकाल दिया है तो फिक्स चार्ज लिख देते हैं फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स था एक्स कितना मिला रुपीज फाइव एंड चार्ज पर किलोमीटर इस कितना मिला मतलब वाई मिल गया दैट इज इक्वल टू टेन एक्स और वाई मिलने के बाद में अब क्या करेंगे देखिए वॉट इज हाउ मच डस अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स सो टोटल चार्ज फॉर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर कितना चार्ज पे करेगा ट्वेंटी फाइव किलोमीटर के लिए सो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर भी जाएगा तो भी वो फिक्स चार्ज तो पे करेगा सो दैट इज एक्स रुपीज है ना प्लस हर एक किलोमीटर के लिए वाई रुपीज तो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर के है तो ट्वेंटी फाइव वाई रुपीज वल टू फेर फॉर ट्रेवलिंग ट्वेंटी फाइव किलोमीटर सो टोटल इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का वैल्यू कितना है be सो इट 25 so 25 25. 25 so 250 इज इक्वल टू equal to 255 इज इक्वल टू equal to rupees 255 बहुत सिंपल था दोस्तों है ना बहुत सिंपल है खाली कंडीशन फ्रेम करना है इक्वेशन के फॉर्म में और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है बाय यूजिंग मेथड बहुत सिंपल है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है अब देखिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन बिकम्स नाइन बाई इलेवन इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो फ्रैक्शन आया सो so उसमें लेट द न्यूमरेटर बी एक्स and denominator by so original fraction will be equal to numerator upon denominator iska matlab मतलब x by y simple ye teen line to fix hona hi hai by the first given condition ab condition padhte first condition pehla condition kaisa hai fraction becomes 9 by 11 ये जो fraction है वो 9 by 11 becomes 9 by 11 means equal to 9 by 11 कौन सा ये fraction x by y 9 by 11 हो जाता है कब फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर बाईन में भी अगर 2 तो एड किया डिनोमिनेटर में भी 2 तो एड कर दिया सो फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 इलेवन सो इट इज इक्वल टू नाइन ना क्रॉस मल्टीप्लाई नाइन इंटू वाई विल बी नाइन वाई प्लस नाइन टू सान बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब क्या करेंगे सब एक्स वाई साइड एक लेके आते हैं तो दिस इज इलेवन एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू क्रॉस कर रहे तो माइनस नाइन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सब दूसरे साइड सो एटीन प्लस ट्वेंटी टू इक्वल टू क्रॉस कर रहे रहे्वेंटी टू सो दिस दिसन एक्स माइनस नाइन वाई इक्वल टू इक्वेशन बन गया है अब दूसरा कंडीशन पे जाते हैं दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या है अब बोला है इफ थ्री इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स फाइव बाई सिक्स अब देखिए जरा बाई सेकेंड गिवन कंडीशन वॉट इज सेकेंड गिवन कंडीशन इीज एड टू बोथ न्यू मॉरेटर एंड इसका मतलब एक्स बाई वाई फ्रैक्शन था न्यू मॉरेटर में भी थ्री एड किया डिनोमिनेटर में भी थ्री एड किया देन इट बिकम्स फाइव बाई सिक्साइव बाई सिक्स इट इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स बहुत सिंपल है वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स प्लस सिक्स थ्री एटीन इक्वल टू फाइव इंटू वाई फाइव आई फाइव थ्री 15 फिफ्टीन सो प्लस फिफ्टीन अब हम लोग क्या करेंगे एक तो x के फॉर्म में लिखेंगे नहीं तो y के फॉर्म में लिखते हैं लिख देते हैं ताकि मेथड सॉल्व तो माइनस तो एक, एक साइड में x ले लिया हमने अब क्या करेंगे इंटू सिक्स दिस इज इक्वेशन नंबर टू Now we will substitute this value of x in equation this first. So इसे दे डाल देते हैं सो इलेवन इंटूब मैं लिखता नहीं हूँ। Directly डाल देता हूँ। इलेवन into x के जगह पे क्या हो जाएगा फाइव वाई 3 थ्री अपॉन सिक्स माइनस नाइन वाई इक्वल टू माइनस फोर अब बस simplify करना है इलेवन is फाइव फिफ्टी फाइव then देन इलेवन थ्री थर्टी थ्री माइनस थर्टी फिफ्टी फोर वाई द होल अपॉन सिक्स टू माइनस फोर अब लाइक ट्वेंटी फोर अब देखिए वाई विल बीवल टू कॉन्स्टेंट दूसरे चले जाते हैं सो माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी थ्री इक्वल टू क्रॉस करेगा तो प्लस थर्टी थ्री सो इट विल का वैल्यू मिल गया का वैल्यू मिलने के बाद में वी विल अगेन दिस वैल्यू ऑफ वाई इन एनी वन ऑफ इक्वेशंस टू गेट वैल्यू ऑफ एक्स किस में डालें Second वाले में डाल देते हैं एक्स की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी फाइव सो एक्स इक्वल टू फोर्टी फाइव माइनस थ्री अपॉन सिक्स फोर्टी फाइव माइनस थ्री फोर्टी टू अपॉन सिक्स सिक्स सेवनजा फोर्टी टू सो एक्स विल बीवल टू सेवन एक्स और वाई मिल गया सो ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है वही पूछा है ना फाइंड द फ्रैक्शन सो ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई एक्स का वैल्यू सेवन एंड वाई का वैल्यू नाइन सो सेवन बाई नाइन बहुत सिंपल है दोस्तों बहुत मजेदार है सिर्फ आपको इक्वेशन फ्रेम करने आनी चाहिए इसलिए प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम थ्री पॉइंट थ्री का सो so क्वेश्चन देखते हैं फाइव हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी थ्री टाइम्स एज ऑफ ए सन बहुत सिंपल है दोस्तों देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है एज वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सो एज ऑफ जेकब विल बी थ्री टाइम्स एज ऑफ ए सन फाइव ईयर एगो जेकब एज वॉज सेवन टाइम्स ऑफ ए सन वॉट इज देयर प्रेजेंट एजेस अब देखिए मैं इसका इक्वेशन बना के दूंगा आपको सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है और जरूर डालोगे आप सो कंडीशन लिखते हैं पहले जो जो चाहिए वो लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिस्सन बी वाई ईयर्स बहुत सिंपल है दोस्तों अब देखिए बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन कंडीशन क्या ही, क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं द एज ऑफ जेकब फाइव ईयर हम मतलब आने वाले पांच साल में अब आने वाले पांच साल में अगर आज का प्रेजेंट एक्स आपका फिफ्टीन है तो आने वाले पांच साल में फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी हो जाएगा वैसे ही प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज एक्स इयर्स तो आने वाले पांच साल में कितना हो जाएगा एक्स प्लस फाइव उसका बच्चे का वाई है तो आने वाले पांच साल में कितना हो वाई प्लस फाइव कंडीशन क्या दिया है द एज ऑफ जेकब विल बी एज ऑफ जेकब इज एक्स प्लस टू एज ऑफ जेकब विल बी मतलब इक्वल्स टू थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स मीन्स थ्री इंटू टाइम्स का मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू एज ऑफ इज सन फ्टर फाइव बाद उसके बच्चे का एज कितना होगा वाई प्लस फाइव थ्री इंटू वाई प्लस फाइव अब बस इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्म में लेके आइए आप सो एक्स प्लस फाइव विल बी इक्वल टू थ्री इंटू वाई थ्री वाई थ्री फाइव फिफ्टीन सो इट्स फॉर प्लस फिफ्टीन अब एक्स वाई सब एक साइड लेके आ जाते हैं सो एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस थ्री वाई इक्वल टू फिफ्टी टू क्रॉस करवल टू टेन इक्वेशन नंबर वन जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई फर्स्ट कंडीशन यूज करके बाई सेकंड गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन अब देखिए कंडीशन क्या है फाइव इयर्स एगो पांच साल पहले आज का एज अगर आपका फिफ्टीन है तो पांच साल पहले कितना होगा फिफ्टीन माइनस फाइव वैसे ही जेकब का एज आज का एक्स है तो पांच साल पहले कितना होगा एक्स माइनस फाइव और उसके बच्चे का वाई है तो पांच साल पहले कितना होगा वाई माइनस फाइव और कंडीशन दिया है कि एज ऑफ जेकब वॉज सेवन टाइम्स एज एज ऑफ एज सन एज ऑफ जेकब कितना था एक्स माइनस फाइव तो इक्वल टू सेवन टाइम्स मतलब सेवन इंटू सेवन टाइम्स का मतलब सेवन इंटू एज ऑफ ए सन कितना था वाई माइनस फाइव था लिख दिया वाई माइनस फाइव बस अब देखिए x माइनस फाइव इक्वल टू सेवन इंटू वाई सेवन वाई सेवन थर्टी फाइव अब क्या करेंगे x के में नहीं तो वाई के फॉर्म में लिख देते लिखना थर्टी एक्स का वैल्यू अब दिस इज इक्वेशन नंबर टू वी विल सब्सिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन सब्सिट्यूशन मेथड आप सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में डालना ओके, okay, सो so ये आज के लिए आपको कॉमेंट होमवर्क है ताकि ये कॉमेंट सेक्शन में डाल सको और जरूर डालना आंसर क्या आता है तब हमको पता चलेगा कि आपको समझा या नहीं समझा और हां आज के लिए बस इतना ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें ताकि सब जगह पहुंच जाए और सबको सीखने का मौका मिले सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में तब तक के लिए गुड बाय अलविदा और घर से बाहर ना निकले पढ़ते रहे पढ़ाते रहे विथ एड उन्द्रा और हां एक जरूरी सूचना घर के बाहर ना निकले कीप लर्निंग कीप की कीप ही पॉचिंग एडुबांद्रा एड उन्द्रा